हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 77 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस कंटेंट को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि राम सोल्ड 10 मार्कर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। राम ने 10 मार्कर को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 30 मार्कर को 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर बोल रहा है इफ ही हैड सोल्ड, यदि उसने ऑल 40 मार्कर्स, हर टोटल 40 मार्कर को एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यदि उसने 40 मार्कर को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया होता, देन हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 210। उसका प्रॉफिट कितना से कम हो जाता? 210 से कम हो जाता। यानी कि दो कंडीशन हमको दिए हुए हैं। एक कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि 40 का 40 मार्कर को बेच देता है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। और फिर क्या दे रखा है कि 10 मार्कर को बेचता है 15% के प्रॉफिट पे, और फिर 30 मार्कर को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे। तो टोटल 40% 40 मार्कर का निकालेंगे, यानी कि क्या एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? 40 मार्कर का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 10 गुना में 15 और प्लस में 30 गुना में हमारा 25, टोटल सम हो गया यहाँ पे हमारा, और बटा में टोटल एवरेज किसका निकालना है? 40 का। यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 150, और 30 × 25 जब मैं करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 750। 750 प्लस में 750 अपॉन में हमारा 40, यानी कि कितना हो गया हमारा 900 अपॉन में 40। यानी कि सॉल्व में जब इसे करूँगा डेट इज़ नन अदर देन 22.5%। यानी कि इन दोनों से मैंने ये पता लगा लिया कि अगर मैं 40 मार्कर को यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बेचता तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे कितनी की प्रॉफिट होती? 22.5% की प्रॉफिट होती। और सेकेंड कंडीशन हमारा क्या दे रहा है कि यदि मैं उसे 40 मार्कर को 20% के प्रॉफिट पर बेच दूँ तो मुझे कितने कम की प्रॉफिट होगी? 210 रुपये कम की प्रॉफिट होगी। यहाँ पे आप परसेंटेज में देख रहे हो, यहाँ 22.5 है और यहाँ पे 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट में कमी कितने की हुई? 2.5% की कमी हुई। और ये 2.5% किसके इक्विवेलेंट है? 210 के इक्विवेलेंट है। यानी कि यहाँ से मैं 100% जब निकालूंगा तो 100% हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? यहाँ पे 210। यहाँ 2.5 से 100 आने के लिए मैंने क्या इसमें गुना किया? 40 गुना किया। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो यहाँ भी मैंने क्या गुना करना है? 40 गुना करना है। यानी क्या हो जाएगा? 210 × 40। ठीक है, 210 गुना कितना? 40। अब यहाँ 210 गुना 40 हो गया, ये 210 गुना 40 क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 100% बोलने का मतलब क्या? ये हमारा प्रॉफिट है, तो 100% बोलने का मतलब क्या हो गया? अपने आप में टोटल सीपी। तो टोटल सीपी जो है हमारा 40 का, टोटल सीपी ऑफ क्या? 40 मार्कर का हमारा टोटल सीपी कितना निकल गया? 210 गुना में कितना? 40। गुना नहीं करना है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मार्कर, हर एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो ईच मार्कर का जब हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ईच मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 210 गुना में 40 और बटा में कितना? 40। 40 40 खत्म हो गया और इसी के साथ हमें कितना मिल गया? 210 रुपया। और यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा एक मार्कर का दाम कितना हो गया? 210 रुपया। लिटरली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको सिर्फ समझना था कि ये 210 और 30 के फॉर्मेट में जब बेच रहा है हमारा, तो ये 10 और 30 के फॉर्मेट में जब बेचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे 22.5% का, और यहाँ से एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% का, और इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंस निकाल के इन दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। होप आप लोगों को क्लियर होगा।